एग्जाम्पल 10.16 है, ए कॉइल ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस ऑफ 120 ओम आपके पास, ठीक है। तो हमसे बोला है कि एक कॉइल है जिसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है लगभग आपके पास, और रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो सकता है उसका, लेकिन इंडक्टेंस तो कुछ रहा होगा। उसको क्या किया बेटा, एक रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कंबाइन कर दिया गया आपके पास, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ 120 ओम, उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है बेटा, 120 ओम आपके पास गिवन है। द इम्पिडेंस ऑफ अ कोयल इज 0.4 हेनरी, सॉरी इंडक्टेंस है, इम्पिडेंस नहीं है। तो ये जो कोयल है इसका इंडक्टेंस गिवन है, एल गिवन है 0.4 हेनरी आपके पास, ठीक है। फाइंड द टोटल इम्पिडेंस, टोटल इम्पिडेंस मतलब जेड हमें कैलकुलेट करना है, फेज एंगल डेट इज फाई हमें कैलकुलेट करना है, एंड करंट। अब ये एसी सर्किट है तो यहाँ जो करंट होगा डेट इज आई आर एम एस, वो हमें डिटरमाइन करना है। व्हेन अल्टरनेट वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट, इसको एक अल्टरनेट सोर्स से कनेक्ट किया गया है जिसके वोल्टेज की वैल्यू डेट इज वी आर एम एस आपके पास गिवन है कितना, 100 वोल्ट, एंड 200 बाई पाई हर्ज ऑफ फ्रिक्वेंसी अप्लाइड, यहाँ जो फ्रिक्वेंसी है डेट इज 200 ऑफ पाई ऑफ हर्ज आपके पास गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमसे वैल्यू किसकी पूछी बेटा, जेड। जेड निकालने से पहले इस कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपने पढ़ा है कि XL इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा L, ओमेगा की वैल्यू होगी बेटा 2 पाई ऑफ क्या, FL। 2 पाई तो एज इट इज, और फ्रिक्वेंसी आपके पास गिवन है 200 ऑफ पाई, मल्टीप्लाई L, L आपके पास गिवन है 0.4, पाई से पाई कैंसिल आउट, इस पॉइंट से जीरो हम कैंसिल कर देंगे आपके पास। अब देखिए बेटा 2 जा 4, 4 जा 16, तो ये हो जाएगा बेटा टोटल 160 ओम आपके पास। हमारा मोटिव क्या है, जेड डिटरमाइन करना है। तो जेड इक्वल टू होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट के अंदर एक्सएल का स्क्वायर प्लस ऑफ क्या, आर स्क्वायर। एक्सएल आपके पास गिवन है कितना बेटा, 160 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 256 ऑफ 00, प्लस रेजिस्टेंस आपके पास गिवन है 120 का स्क्वायर करोगे 144 ऑफ 00। टोटल सम ही करना आपके पास 00640 केरी 1, 510 केरी 1, और ये हो जाएगा बेटा के पास 234। तो यहाँ से हो गया बेटा ये 400 ऑफ 00। अब बेटा 400 किसका होता है आपके पास, 20, और 00 10 का, तो ये 200 का क्या है आपके पास, स्क्वायर है। तो जेड जो आपके पास आया डेट इज कितना बेटा के पास, 200 ऑफ ओम। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है फाई। अब ध्यान दो बेटा, अगर आपने इसका इम्पीडेंस फेजर पढ़ा है तो ये कुछ इस तरीके से था, डेट इज आर और ये था एक्सएल, और ये इनका रिजल्टेंट कौन आता है बेटा, जेड, और ये एंगल कितना होता है फाई। तो यहाँ से अगर मैं टेन फाई निकालना चाहूँगा, ये तो फर्स्ट पार्ट था इसका, सेकंड पार्ट है हमें फेज एंगल निकालना है टेन फाई। टेन फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपके पास गिवन है एक्सएल और बेस है बेटा आर, डेट इज एक्सएल अपॉन आर। एक्सेल हम निकाल चुके हैं, डेट इज 160 अपॉन रेजिस्टेंस आपके पास गिवन है 120, कैंसिल आउट करोगे और 4 से कट करोगे तो 4/3 आपके पास, तो टेन फाई इक्वल टू आ गया 4/3। यहाँ से फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, टेन इनवर्स ऑफ 4/3। ये आपके पास कौन हो गया बेटा, फेज एंगल। जो थर्ड हमें कैलकुलेट करना है डेट इज आई आर एम एस, तो आई आर एम एस इक्वल टू होता है वी आर एम एस बाई जेड आपके पास। वी आर एम एस आपके पास गिवन है 100 और जेड आपने निकाला बेटा कितना, 200। ये हो गया बेटा हाफ, और हाफ का मतलब होता है 0.5 एम्पियर। तो यहाँ पे आई आर एम एस की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0.5 एम्पियर। कॉपी डेट।